आपका मुंह खुलने से उसका मुंह भी खुल जाएगा। हाँ ओके वाओ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा आज माजुली में ये तीसरा दिन है। माजुली अपनी सुंदरता के लिए तो फेमस है ही, उसके साथ साथ फेमस है मास्क मेकिंग के लिए। मास्क मेकिंग की फील्ड में मास्टर हेमचंद्रा गोस्वामी का नाम बहुत बड़ा है। इसी साल उन्हें पद्मश्री भी मिला है और उन्हीं के सत्रह में आज हम जा रहे हैं और देखते हैं कि वो मास्क किस तरह से बनाते हैं। माजुली में कला और कलाकार को भगवान की तरह पूजा जाता है। सफेद रंग के कंबल, वाह ब्यूटीफुल। ये आकाश बाती बोलते हैं इसको, और इसको ऊपर में लटकाया जाता है। यहाँ पे इसमें दिया जलाया जाता है एंड इससे रोशनी की जाती है। ये मास्क बनाया जा रहा है। गुरु शिष्य परंपरा के तहत यहाँ पे स्टूडेंट्स को मास्क बनाना सिखाया जाता है और अपनी संस्कृति और अपनी कला को आगे बढ़ाया जाता है। ये क्या फेस बनाया आपने? ये खांग है, इसके ऊपर कपड़ा होगा। अच्छा, इसके ऊपर गोबर और मिट्टी मिक्स करके शेप देना पड़ेगा। ओके, मतलब ये खांचा है। हाँ, खांचा है। ओके, ये इस तरह से बांस से खांचा बनाया पहले इन्होंने, फिर इस पे गोबर मिट्टी लगा के, और फिर सबसे बाद में कलर। गोबर मिट्टी लगाने के बाद उसके ऊपर फिर से कपड़ा लगाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद कपड़ा कलर। ओके, ये है प्रोसेस। पहले मास्क इस तरह से बनता है, फिर धीरे 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 इसमें कलर्स आते हैं और ये फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से है। ये मास्क बनाया है जरासंध का, फिनिशिंग होना अभी बाकी है इसका। ये हम लोग का यहाँ पर सब ड्रामा होता है ना, नर्सिंग होम में ड्रामा होता है, ड्रामा में यूज होता है। ये लोग पहनते हैं इसको? हाँ, पहनते हैं इसको, पहनते हैं इसको, पहनते हैं इसको, इसको भी पहनते हैं, तीनों को पहनते हैं। लोग इसको पहनते हैं और फिर परफॉर्म भी करते हैं। करते हैं। वाओ, क्या खूबसूरत डिटेलिंग है। वाओ, তো কড়া গুড়িতে বহুত বিজ্ঞান সম্মত কথা আছে। এই কথাখিনি মানুহে কথা দিনে ওলাই যাব অন্তত। এই গরম ইয়াৰ সোমাই থকা জায়গাখনৰ বাহিৰ বা বতৰ সময় কথা, অকণমান বিজ্ঞান থাকিব লাগিব। তো বিজ্ঞান নাথাকিলে কোনো বস্তু জীয়াই নাথাকে। কুহিলা কুহিলা
এটা তোমার মুখখন এখন মুখ সলাই পেলাই দিও ফটোটা লই থা কি ভাল পাইছা মুখা ওয়াও आपका मुंह खुलने से उसका मुंह भी खुल जाएगा हाँ वाओ इट्स सो फैंटास्टिक थैंक यू मांझुली की ये मास्क मेकिंग कला सच में अद्भुत है और इन्हीं लोगों ने हमारी संस्कृति और कला को बचाए के रखा हुआ है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए अगले ब्लॉग में।